क्या पीटी उषा की एकेडमी पर हुआ कब्जा? आखिर क्यों भावुक हुई उड़न परी? मुख्यमंत्री से मांगी कैसी मदद? उड़नपरी के नाम से मशहूर पूर्व भारतीय धाविका पीटी उषा ने अपने एकेडमी पर अवैध कब्जा किए जाने का मामला उठाया है। पीटी उषा ने केरल के कोझिकोड स्थित उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स की जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा किए जाने की जानकारी मीडिया को दी। पीटी उषा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना दर्द बयां किया। उषा ने ये भी कहा कि उनको सांसद बनने के बाद जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है और ये कब्जा भी उसी का एक हिस्सा है। पीटी उषा अपनी बात कहते हुए भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि मामला पानगढ़ पंचायत के संज्ञान में है, लड़कियों की एकेडमी में इस तरह कोई कैसे घुस सकता है। उन्होंने कहा कि वहां ट्रेनिंग करने वाली लड़कियों और अन्य सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। मुख्यमंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए चीजें ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। जब से मैं राज्यसभा सांसद बनी हूँ, एकेडमी को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने इस बारे में पुलिस में शिकायत भी की है। आपको बता दें, पीटी उषा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यसभा सांसद है। उनको किसी विशेष दल की तरफ से नहीं भेजा गया है। हालांकि केंद्र सरकार की सिफारिश पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उषा को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। उषा इस समय भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है। साल 1984 के ओलंपिक में पीटी उषा 400 मीटर हर्डल रेस स्पर्धा में चौथे स्थान पर रही थी। गौरतलब है कि रेस के मामले में पीटी उषा का नाम पूरे एशिया में शिद्दत के साथ लिया जाता है। एथलेटिक्स में उनके योगदान को देखते हुए ही राज्यसभा के लिए उन्हें मनोनीत किया गया था। एक और खास बात ये भी है कि वह भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भी हैं। पीटी उषा 1984 के लॉस एंजेलिस ओलंपिक खेलों की 400 मीटर हर्डल रेस स्पर्धा में चौथे नंबर पर रही थी। 1/100वें हिस्से से कांस्य पदक जीतने से चूक गई थी। ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में उनकी गिनती एशिया की सर्वोच्च महिला एथलीटों में होती है। पीटी उषा ने अपने करियर में एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के अलावा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की सैकड़ों प्रतिस्पर्धाओं में जीत का झंडा गाड़ा। केरल के एक गरीब परिवार में 27 जून 1964 को जन्मी पीटी उषा बचपन से ही खेलों में दिलचस्पी रखने लगी थी। चौथी कक्षा से ही उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे ये रुझान बढ़ता गया और उन्हें उनके शानदार खेल के लिए केरल सरकार की ओर से 250 रुपए की स्कॉलरशिप भी दी गई थी। पीटी उषा के इस मुकाम तक पहुंचने में उनके कोच ओएम नंबियार का बहुत बड़ा हाथ है। नंबियार ने उषा को 1976 में नेशनल स्कूल गेम्स में देखा था और वे उषा के खेल से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे ट्रेनिंग देनी शुरू की, जिसके बाद पीटी उषा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।